हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल आर्वत स्टडी। ये समय और कार्य की तीसरी वीडियो है। इसके पहले भी मैंने दो वीडियो इसी टॉपिक पर बना चुका हूं, तो आप जाकर वह वीडियो जरूर देखें तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आएंगे। तो ये समय और कार्य की तीसरी वीडियो का पहला क्वेश्चन जो है वो इस टाइप का है। एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से, है ना, 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी, ठीक है। 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप चले गए। अब यह खाद्य सामग्री बचे सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगी, ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और समझना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। अब इतना रीड करने के बाद हमको सबसे पहले इसमें देखना है कि हमारे पास टोटल सैनिक कितने हैं, है ना। तो टोटल जो सैनिक है हमारे पास वो कितने हैं, कुल सैनिक है 950, ठीक है, 950 सैनिक है। और कितने दिन के लिए जो है खाद्य सामग्री है, तो वो दिन जो है वो है 200 दिन के लिए, है ना, 200 दिन के लिए है ना खाद्य सामग्री। अब कितना कितना जो है डेली खाते हैं वो लोग सैनिक जो है, कितना डेली सैनिक की दर जो है, मतलब कितना डेली खाते हैं ना, तो 500 ग्राम प्रति सैनिक, मतलब एक सैनिक 500 ग्राम सामग्री खाता है। अब मान लो ये हमारी सामग्री है, ठीक है, खाद्य सामग्री है, तो इसका जो है ये टोटल जो है कुल है सामग्री इतनी है। अब इसका 500 ग्राम क्या है, एक सैनिक खाता है, तो वो 950 सैनिक है, है ना, 500 ग्राम है और 950 सैनिक है, है ना। और 200 दिन, मतलब अगर एक दिन में देखा जाए तो कितने ग्राम खाते हैं, तो 950 का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो एक दिन में इतना सामग्री खाते हैं। और 200 दिन के लिए है, तो 200 दिन का और गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 200 दिन के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल निकाल लेते हैं कि सामग्री है कितनी, है ना। तो है कितनी कैसे पता चलेगा, अब देखिए 500 ग्राम हमारे क्या है, सामग्री एक सैनिक खाता है, उसमें क्या है कि 950 सैनिक टोटल है, तो 950 सैनिक 500 ग्राम सामग्री तो खाएंगे ही, तो ये हो गए कितने ग्राम। अब इनका गुणा करेंगे जब, है ना, और फिर इसके बाद क्या है, गुणा करेंगे कि 200 दिन के लिए है वो सामग्री, तो 200 और कर देंगे क्योंकि ये एक दिन का है, तो 200 दिन के लिए 200 का और गुणा कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा इतना क्या, 200 दिन के लिए जो टोटल सामग्री है ना वो आ जाएगी। अब इसमें एक चीज और बोलना है कि 300 सैनिक 70 दिन बाद, है ना। अब यहां अगर हम देखें तो 300 सैनिक जो है 70 दिन बाद क्या है, वो चले जाते हैं दूसरे कैंप चले जाते हैं ना, किसी और कैंप में वो 300 जो सैनिक है वो चले जाते हैं 70 दिन के बाद। ये आपको अच्छे से समझना है ना। अब इतना होने के बाद हम दूसरा जो टॉपिक है इसका, दूसरा जो पॉइंट है, उस हिसाब से चले तो हमारा क्या बनता है कि 950 सैनिक है, ठीक है, 950 सैनिक, उसमें से क्या है कि 70 दिन बाद, तो 70 दिन बाद अगर जाएंगे तो 200 दिन तो टोटल है ना हमारे पास, तो 200 में से 70 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 200 में से अगर हम 70 घटाएं तो बचेगा हमारे पास 130, मतलब 130 दिन है हमारे पास, है ना। तो 130 हम ये कर देते हैं, है ना, 130, और गुणा करेंगे हम 500 का, क्योंकि 500 ग्राम ही खाएंगे एक सैनिक। अब इसके बटे में हम क्या लेंगे कि यहां 950 सैनिक हमने लिया है, लेकिन 300 सैनिक तो चले जाते हैं ना, तो 900 सैनिक, 950 में से अगर हम 300 घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, 650 मिलेगा, तो 650 गुणित क्या है, 500 ग्राम खाते हैं, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अभी हम ये पूरा टोटल लिया, लेकिन हमने सिर्फ दिन घटाया था इसमें, है ना, लेकिन सैनिक को हम बटे में लेंगे क्योंकि सैनिक जो है इतने 70 दिन बाद चले जाते हैं, है ना। तो ये हमने कर लिया। अब हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा, तो इसको देखते हैं, ये कर दिया 20 से 20 और मतलब 500 से पूरा 500 कैंसिल ही कर दिया, है ना, और 10 से 10 इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 को इससे काटते हैं तो 5 एकम 5, है ना, ये हो जाएगा ना 5 एकम 5, और यहां बचेगा 1, तो 5 3 15 ये आ जाएगा, और यहां 5 से काटेंगे तो कितना आएगा,
पांच एकम पांच बचेगा चार, पांच नाम 45 और ये जीरो आ जाएगा, और 13 से 13 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ऑनली क्या बचेगा 190। तो 190 दिन चलेगा, वो जो 70 सैनिक चले जाते हैं। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा जाए तो क्या बोल रहा है कि 500 ग्राम प्रति सैनिक खाते हैं, है ना, खाद्य सामग्री, 950 सैनिक 200 दिन के लिए होता है, तो 200 दिन के लिए होता है, और 300 सैनिक क्या 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप चले जाते हैं। तो हमको यहां क्या बताना है कि बचे जो है, बचे सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगी। तो 130 जो है, 130 सैनिक तो ऑलरेडी मतलब बचे थे ना, कि 130 दिन मतलब ऑलरेडी चलेगी, है ना। अब जब सैनिक जब चले जाएंगे तो 130 दिन तो पहले चलेगी, लेकिन सैनिक जाने के बाद जो है बढ़ेगी ना, जब सैनिक चले जाएंगे तो और सामग्री बचेगी और वो चलेगी 190 दिन तक, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है इन क्वेश्चनों को। अब हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो क्या है कि उसी से रिलेटेड है, मतलब जो क्वेश्चन पहले हमने कराया उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। तो एक सैनिक जो छावनी में 900 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 330 सैनिक के लिए 35 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी, 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए, 825 ग्राम प्रति सैनिक दिए जाने पर शेष सामग्री 18 दिन चली, है ना, यहां जो है 18 दिन है, है ना, 18 दिन चली। आने वाले सैनिकों की संख्या ज्ञात करो, हमको क्या ज्ञात करना है, जो सैनिक आए हैं 10 दिन बाद वो सैनिक की संख्या ज्ञात करना है। तो यहां दिन है, है ना। तो अगर हम देखें तो जैसा पहला क्वेश्चन किया था कि टोटल जो क्या है 130 सैनिक है, है ना, 330 सैनिक है, सॉरी, है ना, 330 सैनिक है टोटल, ये 330 हो गया, गुणित क्या बोला है 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए, मतलब जो टोटल दिन है पहले कितने दिन के लिए 35 दिन के लिए है, तो हम यहां 35 लिखते हैं, और 10 दिन बाद जो है कुछ और सैनिक आ गए, मतलब लास्ट के कितने दिन बचेंगे हमारे पास, तो 10 हम इसमें माइनस कर देंगे, है ना, तो 10 माइनस कर देंगे, और क्या बोल रहा है कि कितने दिन चले गए, ये बोला है कि 900 ग्राम प्रति सैनिक की दर से, मतलब हमारा जो टोटल सामग्री है वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, है ना। और इसके बटे में अगर हम लें, क्या जो दूसरा पॉइंट है हमारा उसको बटे में ही लेते हैं ना, हमने पहले वाले क्वेश्चन में ही किया था। अब बोल रहे 10 दिन बाद, तो 10 दिन बाद क्या हो गया, और सैनिक आ गए, 10 दिन बाद क्या है, और सैनिक आ गए, और 825 ग्राम प्रति सैनिक दिए जाने पर, 825 अब क्या कर रहा है, 825 ग्राम दे रहा है, पहले कितना दे रहा था 900 ग्राम, तो 900 ग्राम हमने यहां ले लिया था, लेकिन बटे में क्या हम लेंगे 825, क्योंकि अब जो दूसरे पॉइंट में है वो क्या है 825 ग्राम, तो ये ले लिया हम गुणित में। और फिर इसके बाद क्या बोल रहा है कि 825 ग्राम प्रति सैनिक दिए जाने पर शेष सामग्री 18 दिन चली, कितने 18 दिन चली, तो आने वाले जो सैनिक हैं उनको मान लेते हैं हम एक्स, तो पहले टोटल सैनिक कितने थे 330 सैनिक थे, है ना, कुल सैनिक थे 330, और कुछ सैनिक और आ गए, तो वो उसको मान लिया हमने कुछ सैनिकों को क्या एक्स, तो हो जाएंगे कितने 330 और प्लस एक्स हो जाएंगे ना, एक्स और जो जाएगा, मतलब कुछ सैनिक को हमने एक्स मान लिया उसको जोड़ दिया, ठीक है, ये हमारी बन जाएगी एक इक्वेशन टाइप की, है ना। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो बराबर में कितने दिन तक चली है ये देख लेते हैं, तो ये जो इसको सॉल्व करते तो हमको दिन ही प्राप्त होता है ना, तो 18 दिन चली है जो सामग्री थी खाद्य सामग्री, तो बराबर में लेंगे हम 18। अब करेंगे हम इसको सॉल्व, तो देखते हैं कहां से क्या कट रहा है, तो यहां देखें तो ये गुणित में है, तो जो काट देते हैं तो 5 से काटते हैं इसको, है ना, तो 5 से काटेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5 एकम 5 बचेगा यहां 3, तो यहां हो जाएगा 32, तो 5 छक्का 30, 2 बचेगा 5 25, ये आ गया, और यहां काटेंगे 5 से तो 5 छक्का 30 बचेगा 3, और ये हो जाएगा 5 छक्का 30 हो जाएगा ना, 5 छक्का 30 66 आ गया। अब यहां और देख लेते हैं, कट रहा है तो और भी काट दिए, तो 5 से फिर से काटते तो 5 थी 15, 1 बचा 5 थी 15, ये हो गया, और यहां करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 एकम 5 बचेगा 4, 5 40 और 1 0 180 यहां आ जाएगा, है ना। अब और आगे सॉल्व करते हैं इसको,
तो यहां 66 तो है ही, है ना, इसको भी काट देते हैं, कट रहा है यहां 33 से, कट रहा है 33 से कम 33 और 33 दूनी 66, ये कट गया। अब हमारे पास नीचे का बचा 330 प्लस एक्स है, ऊपर कितना है देख लेते हैं, ऊपर 2 ओनली बचा है और गुणित में यहां 35 में से 10 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा, तो 25 गुणित 180 है और बटे में है 330 और प्लस एक्स बराबर 18, है ना, ये है। अब 18 से अगर हम इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं क्योंकि गुणा में है, तो 18 को एक कम 18 एक 0 10 आ जाएगा। और अब कर देंगे हम तेरे गुणा 330 प्लस एक्स का, तो 2 गुणित 25 और यहां है 10 बराबर में इसका कर देंगे तो 330 और प्लस एक्स आ जाएगा। अब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां हम अगर गुणा करें तो 2 से अगर गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50 और 50 में 10 का करेंगे तो 500 और बराबर में 330 है तो यहां माइनस में ले आओ 330 को, 330 प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में एक्स तो है ही, ये आ गया। अब यहां माइनस कर देंगे 0 में 0, 10 में से 3 जाएंगे 7 और यहां हो जाएगा 4, मतलब 170 एक्स बराबर आ जाएगा 170, मतलब 170 सैनिक और आ जाएंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी कार्य को 13 दिन में पूरा करती हैं, 24 आदमी 17 स्त्रियां उसके दुगने का काम कितने दिन में पूरा करेंगी, ये हमारा क्वेश्चन है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको जो है 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां दिया है, मतलब 10 आदमी के बराबर कितनी है 20 स्त्रियां है ना, एक काम को जो है या तो 10 आदमी कर लेंगे या फिर 20 स्त्रियां पूरा करेंगी, तो मतलब इसके दुगने का है ना स्त्रियां जो, तो कैसे हम निकालेंगे कि 10 आदमी बराबर कितना है, 10 आदमी मतलब 10 मेल बराबर कितनी है स्त्रियां 20, मतलब 20 वुमेन, तो एक आदमी बराबर कितना हो जाएगा 10 का हो जाएगा पक्षांतर, तो हो जाएगा 10 दूनी 20 मतलब 2 वुमेन, है ना, एक आदमी बराबर 2 स्त्रियां हैं, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 24 आदमी और 17 स्त्रियां, तो इसको उसके दुगने का काम कितने दिन में पूरा करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने बहुत पहले आपको एक ट्रिक बताई थी कि हमको क्या करना है, किसी दूसरे पक्ष का मतलब निकालना है कि दूसरा है, देखो एक पॉइंट हो गया 10 आदमी 20 स्त्रियां किसी कार्य को 13 दिन में पूरा करती हैं, और दूसरा पॉइंट हो गया कि 24 आदमी 17 स्त्रियां उसके दुगने का काम कितने दिन में पूरा करेंगी। तो इसके लिए ट्रिक जो है, सबसे पहले लेंगे कि कितने व्यक्ति हैं, मतलब व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति कितने व्यक्ति हैं, फिर हमारा कार्य, तो कार्य क्या है हमारा, मतलब कार्य है ना, तो कितने कार्य हैं, एक है दो है तीन है, है ना, और कितने समय के लिए है, ये तीन चीज हमको लेना है। तो व्यक्ति कितना है सबसे पहले, तो व्यक्ति जो है पहले है 20 वुमेन ले लो या फिर 10 आदमी ले लो, एक लेना है, या तो आदमी ले लो या फिर स्त्री ले लो। तो हम यहां क्या करते हैं कि 20 क्या ले लेते हैं, वुमेन ले लेते हैं, 20 स्त्रियां दी है ना किसी कार्य को पूरा करने के लिए, कितना लगता है 13 दिन, तो 20 वुमेन यानी 20 व्यक्ति है, है ना, 20 स्त्रियां, और कितना कार्य है, एक कार्य है, और कितना समय लगता है 13 दिन लगता है, तो 13 ले लिया। ठीक है, क्योंकि जो समय है वो दिन में दिया है, तो 13 दिन ले लिया। अब दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो क्या कह रहा है कि 24 आदमी 17 स्त्रियां, 24 आदमी और 17 स्त्रियां, इसमें जो है अथवा तो दिया नहीं है कि 24 आदमी बराबर 17 स्त्रियां दी है दूसरे पॉइंट में, और मतलब 24 आदमी भी है साथ में और 17 स्त्रियां भी हैं, तो इन दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए 24 आदमी है, 24 आदमी मतलब मेल, और प्लस क्या है 17 स्त्रियां हैं मतलब वुमेन, तो इसमें हम एम की वैल्यू क्या है, एक एम की वैल्यू मतलब एक आदमी की वैल्यू कितनी है, 2 स्त्रियां बराबर है, तो हम यहां रख देंगे, तो 24 और एम की वैल्यू क्या है 2 डब्ल्यू मतलब 2 वुमेन प्लस 17 वुमेन तो है ही। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 24 गुणित 2 कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 है ना वुमेन, और प्लस 17 वुमेन, और इसको और आगे हम सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7 8 15 5 हां सिलाई 1 और 4 1 5 और 1 6 मतलब 65 वुमेन आ जाएगा, जो किसी कार्य को पूरा कितना दुगने काम को पूरा करने में कितने समय लगेगा, मतलब 65 स्त्रियां अगर काम करेंगी तो जो कार्य 20 स्त्रियां कर रही हैं उसी कार्य के दुगने करने में कितना समय लगेगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या आ गया, 65 वुमेन आ गई,
65 वुमेन एक कार्य है ना, तो यहां क्या आ जाएगा, एक कार्य तो है नहीं है, हमारा क्या है दुगना बोल रहा है ना, तो दो कार हो गए ना, यहां एक कार्य था दुगना बोल रहा है तो दो कार हो जाएंगे है ना। और कितना समय लगेगा और ये हमको ज्ञात करना, तो एक्स मान लिया। अब क्या करते थे हम इस वाली ट्रिक में, तिरय गुणा करते थे, मतलब इसका यहां करेंगे, इसका यहां करेंगे, इसका यहां और इसका यहां, तो इसको हम आगे अब सॉल्व करते हैं। तो एक्स हमको जो फाइंड करना है उसको कहां लेते थे हम, नीचे, मतलब बटे के नीचे। तो सबसे ऊपर जो है क्या है हमारे पास, सबसे ऊपर दो 20 है ना, 20 वुमेन है, तो 20 गुणित किससे होगा, 20 का 2 से, तो 2 फिर 2 का किससे होगा 13 से, गुणित 13 लेंगे है ना, गुणित क्या लेंगे 13, तो गुणित 13 और बटे में एक्स को छोड़कर फिर क्या है 1 और 65 में होगा, तो 1 गुणित 65 और एक्स तो हमको ज्ञात ही करना है, तो ये आ जाएगी हमारी जो सॉल्व करेंगे वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी है ना। अब इसको हम सॉल्व करें तो यहां हम 5 से काट देते, 5 एकम 5 और 1 बचा, तो 5 थी 15, तो यहां कट जाएगा 5 चौके 20, 13 एकम 13, 13 एकम 13, तो यहां क्या बचा 4 और 2 और यहां ओनली 1 बचा, तो 4 दूनी 8, 8 दिन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8 दिन, और ये हमारा आंसर है। मतलब 8 दिन जो है क्या लगेंगे, उसी कार को दुगना कार को मतलब करने के लिए 8 दिन लगेंगे 24 आदमी और 17 स्त्रियों को, इस तरीके से आपको करना है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, यदि 4 पुरुष या 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर लें, तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है ठीक है। अब यहां क्या है, यदि 4 पुरुष या 6 लड़के, मतलब 4 पुरुष बराबर 6 लड़के हैं है ना, कि 20 दिन में पूरा करते, एक कार्य है जिसको करने के लिए या तो उस कार्य को पूरा करने के लिए 20 दिन में 4 पुरुष की आवश्यकता है या फिर 6 लड़के की, मतलब 4 पुरुष मतलब 4 मेल बराबर क्या है 6 लड़के, मतलब 6 बॉय मान लेते हैं ना बी, ये मान लिया बी, तो हम किसी एक को बराबर करेंगे, तो हम यहां किसको करते हैं पुरुष को, तो M बराबर क्या आ जाएगा 4 का हो जाएगा पक्षांतर, तो 4 आ जाएगा है ना, तो यहां बटे में, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब M बराबर क्या आ जाएगा 3 बटे 2 B, मतलब एक पुरुष बराबर 3 बटे 2 लड़के हैं ठीक है, ये हमने ज्ञात कर लिया। अब जैसे हमने पहला पिछला क्वेश्चन जो किया था तो उसी तरीके से करेंगे, सबसे पहले क्या लिया था हमने व्यक्ति, तो हम व्यक्ति लेंगे, फिर क्या लिया था हमने कि कार्य, कार्य कितने दिन में करते हैं, और फिर समय लिया था तो समय लेंगे है ना, कार्य कितने दिन में हो रहा है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है 6 पुरुष और 6 या 6 लड़के, तो हम यहां क्या लेंगे 6 पुरुष या फिर 6 लड़के ले लेंगे, तो अभी हम लेते हैं पुरुष है ना, तो पुरुष कितने हैं 4 है ना, तो यहां अगर हम देखें कि 4 पुरुष हैं, मतलब 4 यहां हम एम लेंगे, पुरुष मतलब एम, तो इसमें अगर हम वैल्यू रखते हैं किसकी एम की, तो क्या हो जाएंगे 4 और 3 बटे 2, तो यहां काट देंगे हम, तो 2 दूनी 4 मतलब 2 तिया 6, तो आ जाएंगे हमारे पास 6 क्या आ जाएगा वैल्यू क्या है बी भी है ना साथ में बी, तो 6 बी मतलब 6 लड़के ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन है वो सही है ना, अगर हम पहले पॉइंट में अगर ऐसे करें कि देखें तो हमारा जो इक्वेशन आई वो कितनी आई 6 बॉय और यही बोल रहा है ना 6 लड़के या फिर 4 पुरुष, तो हम यहां लेते हैं 6 लड़के मतलब 6 बी ठीक है, और कार्य कितना एक कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं 20 दिन में है ना, इस तरीके से हमने पहला पॉइंट कवर कर लिया। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है 6 पुरुष और 11 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, इसको भी हमको बराबर करना पड़ेगा, तो 6 पुरुष और 11 लड़के, तो 6 पुरुष मतलब 6 एम और 11 लड़के मतलब प्लस 11 लड़के कितने 11 बॉय है ना, बराबर क्या है इसको हम सॉल्व करेंगे एम की वैल्यू रख देंगे, तो 6 और एम की वैल्यू कितनी है 3 बटे 2 है ना, गुणित में है 3 बटे 2 बी प्लस 11 बी, हमको एक बराबर करना है ना, मतलब या तो बॉय बॉय ले लो लड़के लड़के ले लो या फिर पुरुष पुरुष ले लो, तो इसको अगर हम सॉल्व करें 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 3 तिरका 9, तो 9 बॉय प्लस 11 बॉय, तो ये हो जाएंगे कितने 20 बॉय मतलब 20 लड़के, तो हमारे पास क्या आ गया 20 लड़के दूसरे पॉइंट में,
20 लड़के आ गए, और कितने कार को, उसी कार को, है ना, उस काम को, तो वही कार मतलब एक कार्य था हमारा, कितने दिन में पूरा करेंगे मतलब x, क्योंकि हमको यही ज्ञात करना है समय, है ना, कि कितने दिन में पूरा करेंगे। अब हमने क्या किया था कि पिछले क्वेश्चन में x वाले को लेना है बटे के नीचे, और विदाउट x वाले की जो तिरक गुणा होगा उसको लेना है बटे के ऊपर मतलब अंश में। तो अगर हम इसका तिरक गुणा करेंगे तो इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, एक का x से होगा और बाकी इससे होगा, है ना, इस तरीके से तिरक गुणा होगा। तो विदाउट x वाली अगर हम देखें तो यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये जाएगा विदाउट x, है ना, तो यहां 6 से करते हैं तो 6b, है ना, गुणित क्या जाएगा, यहां हम b नहीं लेते हैं, 6 और गुणित क्या है, 1 फिर 20, तो ये 20 ले लिया, बटे हमको x की वैल्यू तो ज्ञात करनी है तो बराबर में हम x ले लेते हैं, x को छोड़ के फिर 1 से होगा और 1 का 20 से होगा मतलब 1 × 20 ये आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 20 से 20 कैंसल मतलब x बराबर आ जाएगा 6, और 6 मतलब दिन, है ना, x मतलब हमको समय निकालना था ना कि ये कार्य जो है 6 पुरुष और 11 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 6 दिन में पूरा करेंगे, है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है कि ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसे 50 दिन में कर लेता है, यदि दोनों से बारी बारी एक एक दिन काम करे तो काम कितने दिन में होगा, मतलब वह काम जो है अगर बारी बारी करे तो वह काम कितने दिन में होगा। अब देखिए ए कितने दिन में कर रहा है, ए 40 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 50 दिन में कर रहा है, तो हम क्या करते थे, समय का क्या लेते थे, एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे 40 और 50 का, तो कितना आएगा, 2 से देंगे तो 2 20 और 2 25, फिर 2 से देंगे 2 धाम और 25 तो है ही है, फिर 2 से देंगे तो 2 5 और 25, और 5 से देंगे 5 × 5 = 25, मतलब 5 × 25 25 × 50 और 50 × 100 100 × 200 मतलब आ गया 200 एलसीएम, मतलब जो पूरा वह कार है वो पूरा भाग कितना है, 200 भाग है एक कार का, ऐसे ही हम क्वेश्चन करते थे ना, जो इसके पहले हमने क्वेश्चन वीडियो बनाई है पार्ट टू में, तो इसी टाइप से क्वेश्चन करते थे, एक कार है और उसको हमने क्या मान लेते थे, पूरा मतलब एलसीएम लेके वह कार का ये भाग हो गया कि 200 भाग है कार। अब उस कार को क्या है, ए 40 दिन में करता है, कितने दिन में करता है, 40 दिन में, तो ए एक दिन में कितना करेगा, तो 40 का भाग दे देंगे 200 में, तो कितना आ जाएगा, 40 का भाग देंगे अगर 200 में तो 1 0 1 0 कैसे, 4 5 मतलब 5, है ना, 40 का भाग देंगे 200 में तो 5 आएगा, मतलब 5 भाग करता है एक दिन में ए, और बी कितना करता है, तो 2 50 का अगर 200 में भाग देंगे तो 4 आएगा, मतलब 4 भाग कौन करता है, बी करता है एक दिन में, तो एक दिन में ए करता है, एक दिन में बी करता है, इतना इतना। और यहां क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहे हैं, यदि दोनों जो है बारी बारी काम करे, मतलब पहले ए करेगा फिर बी करेगा फिर ए करेगा फिर बी करेगा, तो मतलब यहां जो है ए और बी साथ में मिलकर तो कर नहीं रहे, बारी बारी कर रहे हैं, मतलब एक दिन ए करेगा फिर दूसरे दिन बी करेगा, है ना, तो दोनों को अगर हम ऐड करें, मतलब 2 दिन का है ए और बी, है ना, ए एक दिन करेगा और बी दूसरे दिन करेगा, तो दोनों का योग मतलब 2 दिन का कितना आ जाएगा, ए और बी का योग देख लो, एक दिन का 5 है ए का, तो 5 और प्लस 4 हो जाएगा 9, 9 भाग जो है वो इस कार्य का एक 2 दिन में पूरा कर लेंगे, है ना, 9 भाग जो है 200 भाग जो है किसी कार्य का उसका 9 भाग ये 2 दिन में कवर कर लेंगे, है ना, ए बी, ए और बी, क्योंकि ये साथ में नहीं काम कर रहे, अलग अलग काम कर रहे हैं ना बारी बारी, तो पहले ए और फिर बी काम करेगा तो 2 दिन हो गए, तो 2 दिन में वह 9 भाग 200 भाग का 9 भाग जो है ये कवर कर लेते हैं, है ना। अब हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास जो है टोटल जो काम है वो कितना है, बी 200 भाग है, है ना, 200 भाग है ना काम का, और हम इसमें देंगे अब 9 का भाग, मतलब 200 भाग पूरा है, है ना, कार्य का, उसमें हमको 2 दिन का कार्य आ गया 9, तो 9 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 9 को अगर हम इससे करें तो 9 × 18 ये आ जाएगा, फिर यहां 2 बचेगा 9 × 18, फिर दशमलव में आएगा, तो दशमलव के बाद वाला जो है वो अभी नहीं लिखते, है ना, मतलब 22 जो है हमारे को टोटल मिल गया, है ना, 22 जो है टोटल मिल गया। अब बचता कितना है कि 22 जो है टोटल आ गया, लेकिन दशमलव के बाद भी कुछ आएगा ना, 2 बच रहा है ना,
तो दो बच रहा है, तो कितना आएगा 200 में से अगर हम दो घटाएं तो कितना बच रहा है 198। मतलब 198 यूनिट जो है वो क्या है, कवर हो गया। अब बचा हमारे पास क्या, दो भाग है ना उस कार्य का जो है, ये इतना भाग तो कवर हो गया 198 और दो भाग ओनली बचा है। अब दो भाग जो है वो कौन करेगा, अगर मान लो कि ए और बी बारी बारी करते हैं तो पहले ए करेगा फिर बी करेगा, फिर ए करेगा फिर बी करेगा, फिर ए करेगा फिर बी करेगा और ऐसे करते करते ही चलेगा ना, तो बारी बारी करेंगे तो यहां जो है 22 जो आया, मतलब कि कार्य करते करते बी तक तो आ गया, कितना 198 भाग पूरा हो गया बी तक। फिर जो दो दो भाग बचा है वो कौन करेगा, ए करेगा है ना, ए करेगा ना। अब हमारे पास जो है 22 आया है और वो जो काम है दो दो दिन में हो रहे हैं ना, ए और बी बारी बारी अगर करेंगे तो दो दिन होता है ना, ए करेगा फिर बी करेगा तो दो दिन, तो यहां अगर हम दो का गुणा करें तो कितना आ जाएगा 44 दिन। मतलब ये आ जाएगा 44 दिन तो काम हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ओनली क्या बचा है, दो, दो भाग बचा है ना, 198 हो गया 44 दिन में और दो भाग बचा है, तो ये करेगा ए, तो ए का हम निकाल लेते हैं, तो ए क्या है हमारे पास आ गया 44 दिन, 198 भाग हो गया 44 दिन में, और ए करेगा अब बाकी बचा हुआ दो भाग, तो दो भाग एक दिन में कितना करता है, पांच है ना, पांच करता है ना, तो यहां आ जाएगा क्या, दो और टोटल क्या करता है पांच, मतलब 2/5, मतलब ये हमारा दिन आ गया है ना, कि इतने 44 सही 2/5 दिन क्या करता है कार चलता है अगर ये बारी बारी करते हैं तो, इतने दिन में कार पूरा होगा। इस तरीके से आपको करना है। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।